अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बिल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिब्रा वीकली हॉरोस्कोप 12-18 दिसंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। लिब्रा, सबसे पहले दुआ गो हूँ परवरदिगार आपके लिए ढेरों आसानियाँ फराहम करे। आपका सैयारा बहुत अच्छी पोजिशन में जा रहा है, पूरा फोकस आपका जो है वो अपने घर की तरफ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और दो तीन जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं आपके जायचे में उससे आगाह करता चलूँ। 13 दिसंबर को मार्स जो कि आपके खाने माल में मौजूद था, ये आपके जायचे के थर्ड पार्ट में आ जाएगा। 13 दिसंबर को ही मरकरी यानी कि अतारा जो आपके तीसरे घर में था, ये निकल के चौथे घर में चला जाएगा। 14 दिसंबर को शर्फ़ कमर होगा जो कि एग्जैक्टली आपके दसवें घर का हाकिम है, और आपके जायचे के आठवें घर में जाके इसको जो है वो शर्फ होगा। तीनों जो इवेंट है वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कुछ नजरात बननी थी वीनस के साथ, अब एग्जैक्टली आपको उनका रिजल्ट अभी भी मिल सकेगा। पिछले यकीन है आपको बेहतर गाइडलाइन से आपने अपने उस हफ्ते को तो बेहतर बना लिया होगा। वीनस जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है, ये जायचे के फोर्थ पार्ट में मौजूद है। फोर्थ पार्ट में रहते हुए ये आपको नेम फेम देगा, मुआशरे में इज्जत वकार से नवाजेगा, स्पेशली आपकी जो फैमिली है उसमें आपको जो है काफी ज्यादा एप्रिसिएशन जो है वो मिल सकती है। इसके साथ साथ बेहतर प्रॉपर्टी सवारी का हसूल जो है वो भी आपके लिए मुमकिन होगा। आप अपने घर में कुछ बेहतर तब्दीलियां करने की तरफ हो सकते हैं। तब्दीलियां जो है वो यकीनन ये पॉजिटिव नजर आती हैं इंटीरियर के हवाले से, या आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप अपनी गार्डनिंग का जो है शौक पूरा कर सकेंगे। अपने बेडरूम पे आपका खास फोकस होगा और आप घर में बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जो है वो फील करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो सबऑर्डिनेटर्स हैं उनसे भी आपको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, और इस तरह आपके जो ज़हनी दबाव है उसमें कई हद तक कमी आएगी और आप ज्यादा टाइम जो है अपने घर में स्पेंड कर सकेंगे। दूसरी तरफ 13 को मार्स जो है वो आपके जायचे के दूसरे से निकल के तीसरे घर में आ गया। अब आपने जो पिछले पूरा फोकस आपका था अपनी फाइनेंशियल पोजिशन की तरफ, अब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो सोशलिज्म की तरफ आपकी डाइवर्ट होगी, और यकीनन इसमें आपका पार्टनर आपका स्पाउस जो है वो आपको भरपूर जो है वो साथ भी देगा। बहन भाई अजीजों कारम के साथ जो है वो मिलने जुलने का भी आपको मौका मिलेगा, कुछ नजदीकी सफरों के मौके आपको मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका वीनस फोर्थ पार्ट में, सो आप ऐसा करेंगे भी तो घर से कहीं दूर जाने का प्लान शायद ही बने। आपका ज्यादातर प्लान ये होगा कि आप जो है वो घर की सराउंडिंग में ही कहीं करीब, जहां पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस भी करना हो बस उसी में जाए और जल्दी से वापस। लेकिन एक्टिविटीज जो है वो इस हफ्ते से स्टार्ट आपकी हो जाएगी। आपको एहतियात करनी होगी अपनी तहरीर और तकरीर के मामलात में, स्पेशली बहन भाइयों के साथ डील करते हुए या अपनी ससुराल फैमिली के साथ डील करते हुए उनसे गुफ्तगू करते हुए आपको थोड़ा सा एहतियात रहना, क्योंकि सन और मार्स तीनों जो है दोनों जो है ये आपके तीसरे घर में मौजूद है। तीसरा घर जो कि आपकी तहरीर और तकरीर से मुतल्लिक है, तीसरा घर आपके नजदीकी सफर है, आपकी सलाहियतों को उजागर करने में ये मामला ये पावर पैक है। सो हमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होगी। इसके साथ साथ आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उसको पर आप जो है वो प्रोमिनेंट कर सकेंगे लोगों के साथ घुल मिल के, और ये मामला आपकी रवादारी में जो है उसमें थोड़ी सी कमी जो है उसका एहसास आपको होगा। सो अपने हमसायों के साथ अपने नजदीकी ट्रेवल में एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ थोड़ा सा आपको बेहतर सलूक जो है वो रवा रखने की जरूरत महसूस होगी। 13 को ही मरकरी जो कि एग्जैक्टली आपके 12वें का भी लॉर्ड है और आपके 9th का भी लॉर्ड है, ये आपके चौथे घर में आ जाएगा। अब जो है घर में कुछ रूहानी मामलात का अमल दखल भी जो है वो बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ाएगा, घर में लिटरेचर का माहौल बढ़ेगा, और आप अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल फैमिली के साथ एक बार फिर आपको घुलने मिलने का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन के हवाले से घर में कोई गुफ्तगू शनीद जो है वो आपकी स्टार्ट हो सकती है स्पेशलाइजेशन के हवाले से। इसी तरह आपकी ससुराल फैमिली की आमद भी आपके घर की तरफ जो है वो होती हुई नजर आती है। कोई दूर दराज का जो से लोग जो है वो आपकी तरफ उनकी भी आमद हो सकती है। सो ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा है। वतन वापस आने के जो ख्वाहिशमंद हमारे लिब्रा है उनको भी अच्छे मौके मिलेंगे कि वो वतन वापस आना चाहें तो वो भी आ सकें।
पांचवें घर में आपके जुपिटर और सैटर्न मौजूद है, दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में, और जुपिटर आप अपनी डिग्रीज को जो है वो बिल्कुल एंड पे लगी है, तकरीबन 28वीं डिग्री पे तो ये चल रहा है इस वक्त भी, और ये आपके छठे घर की तरफ दवा दवा है। लेकिन पांचवें घर में जितनी देर भी ये मौजूद है उतनी देर आपको बहुत कुछ जो है ये देता चला जाएगा, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, नॉलेज गेन करेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ आप जाएंगे। जुपिटर आपको नॉलेज गेन करवा रहा है तो सैटर्न आपको प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, तहमुल तदब्बुर का आप मुजाहरा कर सकेंगे। लेकिन जो पांचवी निशे सैटर्न की है ये कुछ मामलात को थोड़ा सा चेंज भी करती है, और कुछ आपके जारी मुखालिफ जो है वो भी आपके जो बच्चों से मुतल का मामलात है इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने मुखालफिन को अपने घर में इंटरफेयर करने से आपको रोकना होगा। और अगर कोई बात आपके सामने आती है तो फिर आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है उसको टैकल करने की जरूरत है, अपने बच्चों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस करने का आपको मौका देगी, और ये सबसे बेहतर तरीका यही है इसको टैकल करने का। अब यहाँ पे एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि बच्चे आपके साथ पूरा कॉपरेट कर रहे हैं लेकिन जो बैरूनी कुवतें हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, सो इनके ऊपर आपको थोड़ा नजर रखने की जरूरत होगी। सेहत के मामला आपके जेरे गौर रहेंगे, एम्प्लॉयज से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गो कि वो बज़ाहिर आपके साथ बहुत अच्छे होंगे लेकिन इन साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। सेवंथ का लॉर्ड, चलें पहले पांचवें पर थोड़ी मजीद बात करेंगे, चूंकि ये यहाँ पे दोनों बड़े अच्छे सियारगन मौजूद है, सो आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत रोशन है, जबकि आपकी शादी के मामला में अब थोड़ा सा डिले आएगा, थोड़ा सा पेंडिंग जो है ये मामला हो सकता है। थर्ड का जो मार्स है ये बात स्टार्ट तो करवाता है लेकिन बात उसका एंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं नजर आता, आपके जो वर्किंग पार्टनर है वहां से आपको नए आइडियाज मिल सकेंगे जिनके ऊपर काम करके आप अपने बहुत सारे मामलात को स्पेशली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जो है उसको बेहतर कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको अपने पार्टनर के साथ जो है वो जो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन जो है ये बढ़ाने की जरूरत जो है होगी, इस तरह आपके मामला मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। 14 को जैसे मैंने बताया कि 10वें का हाकिम 8वें घर में शफियाब होने से आपके विरासती मामला बेहतर होंगे, दूसरों से वस्ता आपके जो मादी मफादात है वो पूरे हो सकेंगे, नुकसान से आप जो है वो बच सकेंगे, और मैंने शफे कमर पे हर बार की तरह इस पर जो वीडियो दी है उसमें चार आपको खास सवाल दिए गए, आपके लिए बहुत अहम होगा चूंकि आपके 8वां घर भी है। तो हल मुश्किल के लिए, हुबे जोजैन के लिए, वसत रिस्क के लिए, और दुआ दुआए हाजात है ब्राय खास, कोई भी आपकी खास हाजत हो तो उसके लिए दुआए हाजात है। ये अमल जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का तालीम करता है, ये बहुत ही अहम अमल है, और शायद जो शफे कमर की वीडियोस है उनमें अभी तक हमने कभी भी इसको आपके साथ शेयर नहीं किया था, इस पर जो है वो पहली बार आपके साथ शेयर है, सो उसको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ कुछ वीडियोस आपके लिए जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है इसी चैनल पे, 2022 ईयर ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस के नाम से आपके लिए जो है वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है, जरूर देख लीजिएगा। ईयरली हॉरोस्कोप आपके हमारे दूसरे चैनल रजा जामा पे अपलोड हो चुके हुए हैं, वहां से आपको नेक्स्ट जो ईयर है आपका जो अपकमिंग ईयर है 2022 के हवाले से वहां से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ एग्जैक्टली हर बार की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी और आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपने लिए बेहतर प्लान कर सकेंगे। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।